Listen, students, for term 2, there is only one experiment in your syllabus, that is Ohm's law. Okay, Ohm's experiment that we have already done. So, aapne file mein bhi likha hi hua hai. So, wo aapka complete hona chahiye now. And I'll just show you a simulator that how you can take readings also if you have not taken. Like when we press the key, so you can see the flow of electrons. And you can see the reading of emitter and voltmeter also. Emitter is reading 0.01 ampere and voltmeter is reading 0.12 volt. You can note down these readings as well. Yes, Dhruv. मैम सपना मैम ने ना सुबह टेंसी वाले ग्रुप में कहा था कि ओके सो इन दिस केस यू नोट डाउन फर्स्ट रीडिंग एमिटर रीडिंग इज 0.01 एम्पियर वोल्ट मीटर रीडिंग इज 0.12 वोल्ट ठीक है नाउ आई एम मूविंग द रियोस्टैट ये देखिए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मैंने थोड़ा सा मूव किया रीडिंग चेंज्ड बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हैज चेंज्ड Now you note down new emitter reading is 0.08 ampere and voltmeter reading is 1 volt. Now I'm again moving this rheostat and again we will get a new set of readings. Note down the third reading also. Current is 0.05 ampere and voltmeter reading is 3 volt. So ye teeno readings note kar lo aap. Yes, Jasleen. मैम ये शुरू से करवा दो आपने क्या करवाया क्योंकि हमें लगा दूसरी बायो की है तो वहाँ पे थे अभी एंटर हुए तो पता नहीं आपने शुरू से क्या करवाया ओके ओके बच्चे देखो ये ओम्स एक्सपेरिमेंट का जस्ट आई एम शेयरिंग विद यू सिमुलेटर अदरवाइज वी हैव डन ओम्स एक्सपेरिमेंट इन आवर क्लास राइट सो आई डोंट थिंक सो कि हमने रीडिंग्स कितनी ली थी तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप रीडिंग नोट कर लो एक बार सिमुलेटर से सो आई रिपीट दैट एक रीडिंग ये नोट करिए मैं टेबल बना देती हूँ यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ सो इन ओम्स एक्सपेरिमेंट वी आर जस्ट टू टेक एमिटर वोल्टमीटर रीडिंग्स थ्री रीडिंग्स वी आर टू टेक करंट इन एम्पियर पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट एंड रेजिस्टेंस R is equal to V over I in ohm. ये करंट हो गया आपका I पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया वोल्ट में तो तीन रीडिंग्स हमने कौन कौन सी ली हैं? दिस इज द थर्ड रीडिंग 0.25 एम्पियर एंड 3 वोल्ट ठीक है नेक्स्ट सेट ऑफ रीडिंग्स वी कैन टेक इफ आई मूव रियोस्टैट दिस इज जस्ट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट So current is 0.01 ampere and voltmeter reading is 0.12 volt. Let's take one more set of readings. Let's take one more set of readings. Current is, वो तो वही रह गया, same है, same ही हुआ. Okay, 0.33 ampere and 4 volt. And 4 volt. Okay, so there are three readings we have noted down. I stopped here. Dekh lijiye ek bar. So we have taken three readings. If in your file you have not written, you can add now these readings. Okay, so divide now. R is equal to V over I. 3 over 0.25. ठीक है 3 ओवर 0.25 ये आपका 12 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा फाइंड अदर रीडिंग्स आल्सो इन द सेम वे ओके ये आ गया आपका 0.12 और ओवर 0.01 12 ओम 4 ओवर 0.33 ये भी सॉल्व कर लीजिए कितना है देन यू विल फाइंड मीन ऑफ दीज थ्री रीडिंग्स यू विल राइट मीन रेजिस्टेंस आंसर होगा आपका जो मीन आ रहा है दैट मीन रेजिस्टेंस विल बी योर आंसर मीन रेजिस्टेंस विल बी योर आंसर देन ठीक है आफ्टर टेकिंग दी थ्री रीडिंग्स यू विल प्लॉट अ ग्राफ
बी इधर ले लो, आई इधर ले लो, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन एंड देन यू विल कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ बाय टेकिंग टू पॉइंट्स हियर. यू विल कंप्लीट दिस राइट एंगल ट्राइंगल एंड स्लोप यू विल कैलकुलेट, दैट विल गिव यू रेजिस्टेंस BC ओवर AC. तो एक बारी आप स्लोप से भी निकाल लोगे, एक आपने वैसे रीडिंग से रेजिस्टेंस निकाला हुआ है. सो बोथ वेज यू विल कैलकुलेट द स्लोप ऑफ ग्राफ. ओके, बोथ वेज यू विल कैलकुलेट द स्लोप ऑफ ग्राफ एंड देन यू विल राइट द रिजल्ट इन द एंड. तो पहले वही आपने एम एपरेटस फॉर्मूला यूज्ड, वही R इज इक्वल टू V ओवर I, और फिर सर्किट डायग्राम बनाना है और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस लिखना. आफ्टर ऑब्जर्वेशंस ग्राफ पेपर पे इन रीडिंग से ग्राफ बनाना है एंड देन यू विल राइट द रिजल्ट. ठीक है, वैसे ये ओम्स एक्सपेरिमेंट आपने किया हुआ है बट क्योंकि एक ही एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में है तो इसको अच्छे से लिखिए अब अपनी फाइल में विद दीज थ्री रीडिंग्स. सो आई शेयर विद यू द रीडिंग्स वंस अगेन थ्रू दैट सिमुलेटर. एक बार दोबारा से देख लो. Those who are coming late. So on pressing the key, you can see all the connections are done in this way. And see, this is the resistance coil. This is the unknown resistance whose resistance we want to find. It's made up of carbon always, right? And then this is emitter and this is voltmeter and readings are also written here. So to change the readings, we just move the sliding contact of rheostat. See, the readings have changed now. I move the rheostat once again, again the readings change. So we had taken three readings using this simulator. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको procedure भी मिल जाएगा. You can note down the procedure. ये रहा procedure और circuit diagram तो आपको पता ही है. This is the procedure and this is the, these are the observations, right? So you have to complete your file also and copy is also complete now. Subject enrichment activity also is done. So now you are ready and only you are supposed to study now. बस एक ही काम फिर आपका रह जाएगा, पढ़ने का. ठीक है, अपना ये सारा internal assessment ready रखिए. So when we press the key, then current starts flowing and we get the readings of current and potential difference through emitter and voltmeter. And by moving the sliding contact of rheostat, we can change the resistance of the circuit and we can take new and new set of readings. Okay, we can take new set of readings this way. I hope this is clear now. We are going to revise electric motor today. Okay, students, we are going to revise electric motor today. So let's do. अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं. मोटर कौन कौन से डिवाइसेस में यूज होती है? फैन, लाउड स्पीकर, वॉशिंग मशीन, ठीक है, देन और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट. टीवी में अगर आप ओपन करके देखो, कंप्यूटर में भी होता है. तो ये बहुत सारे डिवाइसेस में, मिक्सर ग्राइंडर में मोटर लगी होती है. सो इवन इन जनरेटर्स ऑल्सो देयर इज अ मोटर. सो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ मोटर्स. एंड व्हाट इज अ मोटर? इट्स अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक मोटर वी आर गोइंग टू रिवाइज. कल हमने किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट रिवाइज किया था, अब मोटर देख लीजिए. तो इट्स अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी. वी प्रेस द स्विच एंड द मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग. हु विल टेल मी व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? कौन बताएगा? यस, मोटर का प्रिंसिपल, आई गिव यू की वर्ड, टॉर्क. द की वर्ड इज टॉर्क. नाउ यू कैन रिमाइंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. कौन बताएगा? रेज हैंड. यस स्टूडेंट्स, रेज हैंड. ओके अमृतपाल बोलो. When current is passed through a coil, place in a magnetic field, the torque acts on it that rotates the coil. Yes, very good. So imagine करिए पहले होता क्या है इसमें. You always draw a coil. You take a rectangular coil.
ए बी सी डी, टू आर्म्स आर ए बी एंड सी डी, सो अकॉर्डिंगली वी नेम द कॉइल एंड इट इज केप्ट बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, तो ये कार्बन ब्रशेस हैं B1, B2, दैट रिमेन फिक्स्ड ऑलवेज. एंड देर आर टू हाफ्स ऑफ वन रिंग, देर इज वन रिंग और उसी के टू स्प्लिट्स कर लिए जाते हैं. वन स्प्लिट इज यूज्ड हियर, दिस इज रिंग R1, यू कैन से AB आर्म इज कनेक्टेड टू इट एंड द अदर हाफ इज R2. So that's why these are called split rings. Arm CD is connected to it. This is R2. So since these are two halves of a ring, these are called split rings. Or isko hum split ring commutator arrangement bhi bolte hain. And then we have to connect this cell or battery or switch. To zaruri hai. Theek hai, without pressing switch, aapki motor chalegi kya? Nahi chalegi. And sometimes the students, they draw all the diagram, the whole of the diagram, both the diagrams, but they forget to connect the cell or battery. आपके सामने मोटर पड़ी है, ठीक है? जब तक आप उसमें से करंट पास नहीं करोगे, स्विच ऑन नहीं कराओगे, तो क्या वो चलेगी अपने आप? No, it will not work. So that's why you have to press the switch, you have to pass the current first of all. जब तक स्विच ऑन ही नहीं करोगे, करंट पास नहीं करोगे, वो चलेगी. तो माइन्यूट चीजों का ध्यान रखना. So then it is connected to it. Now let's recall the principle. हमारे mind में picture आ जाती है कि there is a coil and there are, it is kept in magnetic field. And when we pass current through it, तो होता क्या है कि coil rotate करना शुरू हो जाता है. Motor चलती कैसे? How does the motor work? So you will then see कि there must be some forces acting on the arms of the coil. तो coil के ऊपर कोई force लग रहा होगा जिसकी वजह से ये रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, कॉइल मूव करना स्टार्ट कर देता है व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल, कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टॉर्क? इसमें की वर्ड है टॉर्क. टॉर्क होता क्या है, कौन बताएगा? आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है इस वर्ड की, टेल मी. व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क? यस, व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क स्टूडेंट्स? यस yes, बच्चे बोलिए, टॉर्क क्या होती है? टॉर्क समझ नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हम प्रिंसिपल में यूज कर रहे हैं इसको. यस ध्रुव. मैम टॉर्क इज डिफाइंड एज अ फोर्स व्हिच लीड्स टू रोटेशन. यस वेरी गुड. मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फोर्स ही है ये, इट इज एक्चुअली मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है, वैसे इसका यूनिट न्यूटन नहीं है, अदरवाइज ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स का इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट. सो टॉर्क यू कैन से इज अ फोर्स दैट रोटेट्स द ऑब्जेक्ट. अदरवाइज आपने नाइन्थ तक जो फोर्स पढ़ा है वो ऑब्जेक्ट को मूव करता था. दिस इज अ फोर्स दैट रोटेट्स द ऑब्जेक्ट. ओके फाइन, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड कपल and it is produced by two forces that are equal and opposite but are acting along different lines of action. क्योंकि वो different lines के along act कर रहे हैं, इसलिए वो cancel out नहीं होंगे. ठीक है, otherwise if suppose this is a chair, ठीक है, मैं इसको इधर से force लगाती हूँ, इधर से कोई और force लगाता है, if the forces are equal and opposite and they are acting on one object also, then the chair will remain at rest. It will not move in any direction. But if we apply unequal forces, then there will be some movement. Okay? और यहाँ पे भी ऐसी हो रहा है कि दोनों साइड पे जो फोर्स लग रहे हैं सेम लाइन के अलॉन्ग नहीं है, तो कैंसल नहीं हो रहे, इसलिए मूवमेंट हो रही है. किसकी मूवमेंट हो रही है? कॉइल की मूवमेंट हो रही है. इट इज रोटेटिंग. ओके, सो लेट्स रिकॉल द प्रिंसिपल ऑफ मोटर वंस अगेन. सो व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कॉइल placed in a magnetic field, a torque acts on it that rotates the coil. Okay, a torque acts on it that rotates the coil. अब चलिए इसकी working करते हैं. So now current starts flowing from positive terminal to the negative terminal. So we draw the path of current like this.
we draw the path of current like this. ठीक है, अब ये करंट हो गया. लेट्स कम टू एबी आर्म. नॉर्थ टू साउथ ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया. नॉर्थ टू साउथ दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. नाउ टेल मी विच रूल आई शुड अप्लाई सो दैट आई कम टू नो कि एबी आर्म के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है. हु विल टेल मी नेम दैट रूल ऑल्सो कॉल्ड मोटर रूल. यस ऋषित. मैम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. वेरी गुड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो लेट अस अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू बोथ द आर्म्स ए बी एंड सी डी, रादर टू ऑल द फोर आर्म्स ए बी सी डी ए सी एंड बी डी ऑल्सो. ठीक है, चारों आर्म्स पे रूल अप्लाई करते हैं. पहले ए बी पे तो ये देखिए करंट ऊपर है, मिडल फिंगर ऊपर रखिए. मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, फोर फिंगर शुड बी हॉरिजॉन्टल इन दैट डायरेक्शन. करंट हो गया इधर. नाउ लुक एट योर थंब. वेयर इज योर थंब नाउ? योर थंब इज इनवर्ड्स. ये रहा आपका थंब इनवर्ड्स. एंड इफ यू अप्लाई द रूल टू आर्म सी डी तो सिर्फ करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, स्टिल फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल इन दैट डायरेक्शन. नाउ लुक एट योर थंब. थंब इज आउटवर्ड. सो इधर इनवर्ड इधर आउटवर्ड फोर्स लग रहा है तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इनवर्ड अंदर की तरफ ये रहा और आउटवर्ड ये आपका करंट था, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था, ये बाहर की तरफ. सो दिस इज योर एफ टू. इफ यू ड्रॉ देयर लाइन ऑफ एक्शन तो ये अलग अलग लाइंस ऑफ एक्शन के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं. Now, by looking at the direction of arrows, ये इधर move करेगा torque को और ये वाला force इधर move करेगा. So, it will produce a torque that will rotate the coil. तो अब मतलब हमने current pass किया तो ऐसा क्या हुआ? Forces act किए जिसकी वजह से coil rotate करना शुरू हो गया. Motor चल पड़ी, motor started working. Right? Let's apply the rule to arm AC and BD. उसकी हम बात ही नहीं करते. मैंने भी आपको working में नहीं लिखवाया कि एसी आर्म और बीडी आर्म पे भी रूल अप्लाई करो. लेट अस सी व्हाट इज द रीजन. नाउ लेट्स अप्लाई द रूल ऑन आर्म एसी. अब आप सोचोगे कि मैं इसको कहाँ रखूं, करंट को कहाँ रखूं, ये तो उधर को जा रहा हॉरिजॉन्टली और फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है. बट दिस इज नॉट सो. एक्चुअली द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू दिस ब्लैक बोर्ड. ठीक है, अगर आप ए बी आर्म को यहाँ पे इमेजिन करते हो बोर्ड में, सपोज दिस इज योर कॉइल ए बी सी डी. ठीक है, ये ए बी सी डी है तो ये ऐसे है. दिस इज ए बी आर्म ए बी, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है तो इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल. तो अब ये जो सी पॉइंट है, जब ये सी पॉइंट यहां पे आपका, तो करंट इधर को आ रहा है आपकी तरफ, करंट इधर को आ रहा है. तो अब मिडल फिंगर इधर को रखेंगे, मिडल फिंगर इधर को रखेंगे और फोर फिंगर उधर ही रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. Now look at your thumb. What is the direction of thumb then? It is upwards. और BD arm में रूल लगाएंगे तो सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज है. इधर की बजाय आप उधर कर दो, ठीक है, या ऐसे कर दो. अब इधर की बजाय करंट को पीछे कर दो उस साइड पे. Four fingers still there and look at your thumb. It is now in downward direction. ठीक है. So if we draw the forces on arm AC and BD, so these are in upward F3 and in downward direction F4 and they are acting along same line of action. ये बिल्कुल center के along act कर रहे हैं. इस side की दोनों sides का जो center है वो तो same ही है. तो ये एक ही line के along act कर रहे हैं and being equal and opposite they will also cancel out each other. So they don't contribute towards torque. That's why we don't talk about them. So if you want to write in your working of motor, then you can also mention that forces on arms AC and BD being equal and opposite acting along the same line cancel out each other. So these two forces F3, F4 are not contributing towards any torque. ठीक है, अब मोटर चल पड़ी. ठीक है, ये हो गया. Now we want to check whether the current or the coil keeps on rotating in the same direction always. क्योंकि हमें तो उसका use ही नहीं रहेगा अगर हमारा fan ऐसे ऐसे
डायरेक्शन चेंज करने लग गया. तो वंस अ डिवाइस इज कंस्ट्रक्टेड उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को चेक किया जाता है. तो इसकी भी पूरी वर्किंग देखते हैं कि व्हेन इट विल टेक हाफ रोटेशन, साइड्स जब इंटरचेंज हो जाएंगी तब क्या होगा, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट दैट वी हैव कनेक्टेड हियर. अभी तक तो हमने इसको मेंशन ही नहीं किया, इसका कोई रोल नहीं आया, तो इसका रोल कैसे आएगा. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस आफ्टर हाफ रोटेशन. सो वी ड्रॉ वन मोर डायग्राम आफ्टर हाफ रोटेशन. वी ड्रॉ वन मोर डायग्राम आफ्टर हाफ रोटेशन. सो दिस इज कॉइल, पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट, अगेन ब्रशेस रिमेन फिक्स्ड देयर, कार्बन ब्रशेस B1, B2 रिमेन हियर, और ये आपके स्प्लिट रिंग्स होंगे. दिस विल बी अगेन योर बैटरी एंड दिस विल बी योर स्विच. ठीक है, अब ये हम सीडी ऊपर आ गई, ए बी नीचे चलिए. एज द कॉइल इज रोटेटिंग आफ्टर हाफ रोटेशन, सीडी आर्म ऊपर आ गई हुई है और ए बी आर्म नीचे चली गई आपकी. ठीक है, एंड विद देयर मूवमेंट ये स्प्लिट्स भी चेंज हो गए, बिकॉज दिस सीडी आर्म वॉज कनेक्टेड टू आर टू. तो जब आपकी सीडी आर्म इधर आई है तो ये जो आर टू रिंग है वो भी इधर आ जाएगा और ए बी आर्म के साथ रिंग आर वन इधर आ जाएगा. सो द स्प्लिट रिंग्स विल इंटरचेंज देयर पोजिशंस आफ्टर हाफ रोटेशन. व्हेन आर्म सीडी कम्स अप, ए बी गोज डाउन, then the rings, split rings also interchange their positions. So when they interchange their positions, how it happens, what is the impact, let us see. So current again starts flowing in this path. Again we apply the rule here, CD arm pe rule lagate hain, fir current upar hai, magnetic field is still here, aur is arm pe rule lagaye to current is still here and magnetic field is still here. अब रूल तो वही है ना, रूल तो रूल है. अगर करंट की डायरेक्शन भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रही है, तो रूल को क्या पता कि ए बी आर्म की जगह अब सी डी आर्म आ गई है, रूल तो वही रहेगा. सो अगेन द फोर्स ऑन आर्म सी डी विल बी F1 इनवर्ड एंड ऑन आर्म ए बी विल बी F2 आउटवर्ड्स. ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही अभी भी इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्सेज एक्ट करेंगे. ठीक है, एंड दे विल बी एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन. And if we see the direction of arrows, the coil will still be rotating in the same direction. The coil will still be rotating in the same direction. So yes, this is a function of carbon brushes and split rings, that they help to keep the coil moving in the same direction. Yesterday we did an MCQ. उसमें ये था कि function of split rings है to reverse the direction of current. देखो करंट की डायरेक्शन तो अपने आप रिवर्स हो गई. पहले ए बी आर्म में करंट अपवर्ड जा रहा था, अब सी डी आर्म में करंट अपवर्ड जा रहा है. आफ्टर हाफ रोटेशन करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है. सो बाय डूइंग सो व्हाट इज हैपनिंग, एक्चुअली द कॉइल कीप्स ऑन रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो मेन पर्पस हमारा यही है कि वी वॉन्ट दैट द कॉइल शुड रोटेट इन द सेम डायरेक्शन ऑलवेज. सो दैट्स वाई दिस इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिटरिंग एंड carbon brushes, that they help to keep the coil moving or rotating in the same direction always. So this process repeats on and on. हमने beginning में show किया, after half rotation show किया. So after fixed intervals of time, this process will continue itself and the coil will keep on rotating in the same direction ever. तो हमेशा वो coil एक बार motor start होगी तो एक ही direction में rotate करता रहेगा. Some students they write what is the principle of electric motor, वो लिख देते हैं. The principle is Fleming's left hand rule. वो principle नहीं है, वो हम use कर रहे हैं, principle नहीं है वो. Rule तो हम सिर्फ use कर रहे हैं इसकी working का explain करने के लिए. इसका principle है, keyword याद रखिए, torque. Torque वाला इसका principle आएगा. ठीक है, तो किसी को doubt है motor देख लीजिए आप अच्छी तरह से. कल हमने kicking wire experiment किया. Today basis, on the basis of that kicking wire experiment, उसी का ही further continuation है electric motor. So have a look at this. If you have any doubts, you can tell me.
किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज हैंड. यस जसलीन. मैम जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है क्या, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में? नहीं नहीं, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में. देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है बाय प्रेसिंग द स्विच, हमने स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो कर रहा है, वो हमने प्रोवाइड किया और ये घूमने लग गया. तो व्हेन इट हैज स्टार्टेड मूविंग दैट इज मैकेनिकल एनर्जी दैट इज थिंग. वो कल एक क्वेश्चन आया था ना तो उसने आप उसमें था कि वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, आपने उसका आंसर मोटर दिया था. केमिकल टू इलेक्ट्रिकल नहीं, ये है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल. जो वो जनरेटर था उसमें, कल वाला जो हमारा क्विज था उसमें जनरेटर का क्वेश्चन था, वो वहाँ आंसर जनरेटर था. यस मैम, वो निष्ठा ने आंसर मोटर दिया था. नहीं नहीं, वो जनरेटर रिवर्स करता है, पर वो तो आपके सिलेबस में नहीं है. जनरेटर तो पता ही है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. मोटर डज द रिवर्स, हम स्विच ऑन करते हैं फैन चल पड़ता है. बस ये हमेशा याद रखो, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, थैंक यू मैम. ओके, एनी अदर डाउट टू एनी अदर स्टूडेंट? यस. अब एक एक टॉपिक पकड़िए और उसको डेप्थ तक पढ़िए. ठीक है, you should have proper understanding of each and every concept now, right? koi doubt hai to dekh lijiye ek bari, pooch lo.